बारिश के मौसम में हमें रोज़ अनेक समस्याओं से जूझना पड़ता है फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ, एकदम मैजिकल चाय की रेसिपी जो अपराजिता के फूलों से बनती है। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स अगर आपको जानने हैं तो आप गूगल सर्च कर लें या यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो ये जादुई चाय बनाने के लिए हमें डार्क ब्लू कलर का जो अपराजिता का फूल होता है वो चाहिए। ये बहुत आसानी से गमले में भी लग जाता है, अगर आपको सीड्स मिले तो आप लगा लें। इसके साथ ही हमने कुछ तुलसी के पत्ते, लेमन ग्रास, अदरक, दालचीनी का टुकड़ा और काली मिर्च लिया है। आप इस चाय को प्लेन भी बनाकर पी सकते हैं, यह बहुत तरह से मदद करता है। तो अदरक, काली मिर्च और दालचीनी के टुकड़े को हम क्रश कर लेंगे दरदरा सा, और बाकी जो चीज़ें हमारे पास तुलसी, लेमन ग्रास और फूल अपराजिता का, उसे धो लेते हैं एक बार। धूल मिट्टी वगैरह होगी तो हट जाएगी। ये चाय रोज की समस्याओं को तो दूर करता ही है, साथ ही वेट लॉस, ब्लड शुगर कंट्रोल, स्किन और हेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है, डिप्रेशन को कम करता है, माइग्रेन की समस्या को दूर करता है। तो न जाने कितने ही बेनिफिट्स हैं इस चाय के, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और रोज़ पिएं। ग्रीन टी की जगह में आप इसे ले सकते हैं। अब हमने अदरक, दालचीनी और काली मिर्च को जो कूटा था उसे एक पानी के साथ बॉयल करेंगे। एक ग्लास पानी डाल दिया है पैन में और उसी में तुलसी का पत्ता और लेमन ग्रास भी डाल देंगे। और इधर अपराजिता के फूलों के जो पेटल्स हैं उन्हें हमें अलग कर लेना है और इसका ग्रीन वाला पार्ट हटा देना है। सिर्फ पेटल यूज़ करेंगे हम चाय में, तो इन फूलों को हमें बॉयल नहीं करना है। जिस पानी को हमने अदरक वगैरह के साथ बॉयल किया है उस पानी को इसमें ऐड करेंगे। तो इस अदरक और दालचीनी वाले मिक्सचर का पानी हमें 5 मिनट तक बॉयल करना होगा। इसमें सारी चीज़ों का जो भी फ़ायदेमंद पार्ट होगा वो पानी में अच्छी तरह घुल मिल जाएगा। अब गैस ऑफ कर देंगे और एक छन्नी लगा देंगे कप के ऊपर जिसमें हमने पेटल्स रखे हैं, और ये पानी उसमें ऐड कर देंगे, गर्म पानी जो हमने किया है वो। अब इसे एक बार घुला लें अच्छी तरह और ढककर 5 मिनट के लिए रख दें। बस आपका चाय बनकर तैयार है, जादुई चाय। तो इस बारिश के मौसम में आप ज़रूर पिए इसे बनाकर। आप चाहें तो इसमें शहद और नींबू भी ऐड कर सकते हैं, और अगर कुछ नहीं भी ऐड करना हो तो केवल अपराजिता के पेटल्स को गर्म पानी में डालकर ऐसे भी पी सकते हैं, यह बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमेशा ऐसे ही नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।